हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत दिनों के बाद एक आई शेडो पैलेट की रिव्यू। एंड ये है मार्स मेस्मराइज आई शेडो पैलेट। इन डेप्थ प्रोडक्ट कैसी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद अदर टॉपिक्स। बट जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना ताकि आपके पास मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। एंड ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, मेरी इंस्टा आईडी है simplypretty2018। लेट्स गो। फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत दिनों के बाद मैं फाइनली बैठी हूँ आज YouTube वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने प्रीवियसली शूट करके रखी थी जो कंटेंट आप अभी देख रहे हो वो। एंड यू नो पिछले वीक में मैं गई थी शांतिनिकेतन की छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो आप ऑलरेडी देख सकते हो मेरे चैनल पर। अगर अच्छी लगे तो मेरे श्योर उसे लाइक ज़रूर कर देना, या फिर आप मेरी फेसबुक पेज में इंस्टाग्राम में हर जगह पर देख सकते हो स्मॉल कंटेंट में, क्योंकि व्लॉग तो आप देखते नहीं हो एंड मैं अच्छे तरीके से व्लॉग बना भी नहीं सकती, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में ही दी है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ऑब्वियसली लाइक कर देना ताकि मैं और भी ऐसे ऐसे छोटी छोटी व्लॉग्स बना सकती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। यस, एंड आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब है 1 सितंबर। यस, मेरी बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गई है। मेरी बर्थडे है 13 सितंबर को, इसलिए आप देख सकते हो मतलब दुर्गा पूजा एंड बर्थडे दोनों के लिए ही ये हेयर कट। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसे लग रही है ये हेयर कट। एंड ऑल्सो मुझे मेरी बर्थडे के दिन ज़रूर विश करना, ठीक है, ज़रूर विश करना, वो इंस्टाग्राम पर हो या फिर मेरी कम्युनिटी पर हो, पर 13 सितंबर विश ज़रूर करना। तो चलिए जल्दी से हम अब मूव ऑन करते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए। तो आज मैं जिस आई शेडो पैलेट को शो कर रही हूँ आपको, ये है मार्स की मेस्मराइज आई शेडो पैलेट। लड़के की आउटर कार्टन के साथ आती है ये, एंड बैक में सब कुछ डिटेल मेंशन है। एंड इसकी जो प्राइस है ना वो है 299 रुपीज़। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एंड इसमें आपको मिल जाती है 20.8 ग्राम की प्रोडक्ट, सब कुछ यहाँ डिटेल में मेंशन है। एंड ऑल्सो इसके बैक पे भी ये डिटेल में मेंशन है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। या इसकी कंटेंट में कोई भी पैराबिन नहीं है। एंड मेरे पास जो पर्टिकुलर शेड रेंज है वो है शेड नंबर 3। आपको और भी डिफरेंट यू नो काइंड ऑफ शेड रेंज भी आपको मिल जाएंगी। न्यूड्स अच्छी खासी मिल जाएंगी इसमें, शायद 2 पैलेट न्यूड्स है इसमें एंड एक ये कलरफुल पैलेट है। मुझे पर्सनली ये कलरफुल पैलेट बहुत दिनों से चाहिए था एंड फाइनली मैंने ये अमेजोन से परचेस की है। आप अपनी लोकल स्टोर में भी देख सकते हो एंड फ्लिपकार्ट में भी देख सकते हो। मैं जहाँ से परचेस करती हूँ मेरी लोकल स्टोर में वो मार्स के इतने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रखते हैं। ये उन्होंने मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे वो कि यू नो मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक है, तो इसीलिए मैंने अमेजोन से ली है। एंड आपको अच्छी खासी डिस्काउंट में हर एक जगह मिल जाएंगे। अब तो मार्स नायका पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाके इसे परचेस कर सकते हो। फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पैलेट में मुझे मैट शेड से ज़्यादा शिमर शेड पसंद आई। एंड आज मैंने इसी पैलेट को यूज़ की है। शिमर्स आर बॉम एंड दे आर वेरी पिगमेंटेड, वेरी सॉफ्टली पैक्ड। मैट भी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड दे आर वेरी स्मूथ इन टच एंड ऑल्सो ज़्यादा पाउडरी भी नहीं है। एंड इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें फॉल आउट भी नहीं है। शिमर्स में फॉल आउट है बट मैट्स में बहुत ही कम फॉल आउट है। एंड अगर आप आपकी ब्रश को थोड़ी सी भी डस्ट ऑफ करके यूज़ करो ना तो बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होगी। बट एक चीज़ ही मुझे इस एंड जो ग्लिटर शेड है वो भी ओकेश काइंड ऑफ है, बहुत ज़्यादा चंकी ग्लिटर है बट अच्छी तरीके से यू नो आपकी आईलिड में स्टिक ऑन हो जाती है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है बट ठीक ठाक है, बट शेड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड अगर मैं इस पैलेट की यू नो एक कौन बताऊँ, सभी चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा यू नो प्रोज में ही लगे। बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडेबल हैं, सुप्रीमली ब्लेंडेबल है। बिगिनर्स हो आप, मेकअप आर्टिस्ट हो, यूट्यूबर हो, कोई भी हो, आप इजीली इस पैलेट को यूज़ करके मल्टीपल ब्यूटीफुल लुक क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ आपको कुछ न्यूट्रल टोन्स चाहिए होगी अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ आई लुक क्रिएट करना चाहते हो तो, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्वालिटी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत देर तक टिकती है आपकी आँखों में एंड आँखों में मतलब आई लिड में। एंड अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो मुझे एक ही कॉन इसमें नज़र आई, वैसे एक मैं बता दूँ इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। एंड अब हम आते हैं कॉन्स पे। मुझे एक ही चीज़ इसके कॉन में लगी कि ये जैसे आप यू नो पैलेट में दिख रही हो ना जैसे कलर, वो एज इट इज़ आपकी आईलिड में ट्रांसफ़र नहीं होती है। जैसे कि मैं ग्रीन शेड की बात बताऊँ, अगर ग्रीन शेड आप देखोगे मेरी आईलिड में वो थोड़ी सी
यू नो डार्क लग रही है, मतलब जो शेड पैन में आपको दिख रही होगी ब्लेंड करने के बाद वो थोड़ी सी लाइट हो जाती है, मतलब कलर काफ़ी ज़्यादा फेड हो जाती है एंड वो आपको बैक एंड फोर्थ करनी पड़ती है एंड वो थोड़ी सी डार्क लग रही है। एंड अगर मैं येलो शेड की बात करूँ तो येलो शेड आपको पैन में जैसे कलर दिख रही है ना उससे थोड़ी सी लाइटर दिखेगी आपकी आईलिड पे। तो कुछ कुछ शेड कभी कभी डार्कर दिखेगी एंड कुछ शेड लाइटर दिखेगी, एज इट इज़ जैसे पैन में है वैसे ही आपकी आईलिड में ट्रांसफ़र नहीं होगी। यही सिर्फ कौन लगी मुझे पर्सनली, अदरवाइज पैलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड या सभी जो कलर्स है उसे मैं डिसेंटली पिगमेंटेड कह सकती हूँ, सुप्रीमली पिगमेंटेड नहीं है बट या दे आर डिसेंटली पिगमेंटेड एंड आप काम चला सकते हो इस पैलेट के साथ। तो हम जल्दी से देख लेते हैं इसके स्वॉचेस, देख सकते हो आप स्वॉचेस। अगर मैं लेस पिगमेंटेशन की बात करूँ तो ये जो ये येलो कलर है एंड ये ग्रीन, ये डार्क येलो, ये लाइट ग्रीन एंड ये लाइलैक काइंड ऑफ अ शेड ही लेस पिगमेंटेड है, अदरवाइज साड़ी की साड़ी शेड जो है वो डिसेंटली पिगमेंटेड। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। मेरी तरफ से ये शेडो पैलेट 100% रिकमेंडेड है, आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट या फिर आपको जो भी कलर रेंज पसंद है वो पर्टिकुलर वेरिएंट चूज़ कर सकते हो, बट ये शेडो पैलेट वो ट्राइंग है एंड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये शेडो पैलेट यूज़ करके। सो ये रही आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो पसंद आई हो एंड पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके एंड ऑल्सो हिट द यू नो बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर जो सोशल मीडिया के लिंक है अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, सो वो भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत ही अच्छे से रहेगी, टेक केयर।